किसी की बुद्धि कुमार्ग पर चल रही है, जिसकी बुद्धि सुमार्ग पर चलेगी उसकी बुद्धि को हम सुमित बुद्धि मानते हैं। आज हमारे बेटे ने ये यज्ञ किया, कितना बड़ा परोपकार किया अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और पूरे समाज के लिए। जो कुछ इसमें हमने बहुत औषधियां डाली, बहुत से कहते हैं कितना घी अग्नि में डालने से क्या लाभ होता है, यदि हम इसको खिलाते किसी को खिलाते तो तंदुरुस्त हो जाता, ये उनकी गलत फहमी है। हम यज्ञ में जितने भी पदार्थ डालते हैं उतने ही वो हमारे पास परमात्मा वापिस दे देता है। हम यदि शुभ कर्म करते हैं, शुभ कर्म करने से हम तो करें, हमको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, पर जो हम ये करते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर ये शुभ संस्कार पड़ते हैं। और ये कुरुक्षेत्र भूमि पर बैठ कर के हमने यज्ञ किया, भंडारा किया, जप किया, तप किया, तो ये 10 गुना फलीभूत होता है। हम लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा यज्ञ है। हमारे स्वामी जी ने भी गांव-गांव में जाकर के यज्ञ का प्रचार किया, एक एक महीने 3-3 महीने का उन्होंने यज्ञ रचाया और वो जितना भी घी होता था वो यज्ञ में ही डालते थे। आज तो हम ये छोटे छोटे कटोरों से वसुधारा का मंत्र बोलकर आहुति देते हैं, पर जब स्वामी जी के समय पर स्वामी जी के समय में एक एक बाल्टी से वसुधारा का मंत्र बोल करके आहुति लगाते थे, पता नहीं कितने कितने क्विंटलों घी का उन्होंने हवन किया। और आज उन्हीं की देन है जो कि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे बेटे के लिए सब तालियां बजाएंगे, इन्होंने इतना शुभ कार्य किया, ये शुभ कार्य भी हर एक आदमी नहीं कर सकता। ये इनके मन में ये विचार पैदा हुआ कि हम भंडारा करते हैं, इन्होंने पहले करना था, मैंने कहा नहीं बेटे, सोमति मावस आती है और वो चैत की मौस है, इस मावस का बहुत बड़ा महत्व होता है, हम आप सोमती मौस को भंडारा करें। हमारे बेटे ने एक दफा भी ये नहीं कहा नहीं देवी जी अब करें या कब करें, उन्होंने कहा कि जैसे आप कहेंगे उसी के अनुसार हम करेंगे। और